अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जी बेटा, हमारा जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सब्जेक्ट है उसमें मैं आप लोगों को प्रीवियस जो है पढ़ाया था पावर सप्लाई एंड मेंटेनेंस, और अभी भी उसी के ही पॉइंट्स कंटिन्यू हैं। तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट मतलब जिसको हम PDU एज नाउन एज मेन डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट MDU, ठीक है जी। इस ये ही हमारा एक्चुअली मेन डिस्ट्रीब्यूट जो डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट होता है हमें कहते हैं इसको। तो ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि जिसके साथ मल्टीपल पावर आउटलेट्स जो हैं वो कनेक्टेड होते हैं, और ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पूरी डाटा सेंटर के अंदर काम कर रहा होता है। चूँकि हम डाटा सेंटर की बात कर रहे हैं ना, डाटा सेंटर के पावर सप्लाई की बात कर रहे हैं। टू टाइप्स ऑफ PDUs एग्जिस्ट, तो यहाँ पे टू टाइप्स की पावर डिस्ट्रीब्यूशन है। लार्ज फ्लोर माउंटेड PDUs विच टेक मेन फीड यूजली 3-phase पावर एंड डिस्ट्रीब्यूट इट इनटू मल्टीपल स्मॉलर फीड्स टू कंप्यूटर रेड। सो यहाँ पे फर्स्ट तो है ये एक लार्ज फ्लोर जो फ्लोर है, लार्ज फ्लोर ठीक है, माउंटेड है PDUs उसके ऊपर माउंटेड होते हैं रैक्स की फॉर्म में, और ये एक जैसे बोर्ड होता है उसके ऊपर 3 phases हैं, ठीक है। 3 phases पावर है, तो छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर रैक्स बने होते हैं, तो मल्टीपल कंप्यूटर्स को ये जो पावर है सप्लाई की जाती है। तो दूसरा है पावर स्ट्रिप्स होती हैं, समटाइम्स कॉल्ड रैक PDUs, एंड दैट फीड इक्विपमेंट इन रैक्स। इसमें स्मॉल फॉर्म्स में नहीं होता, इसमें सिर्फ स्ट्रिप्स बनी होती हैं। मोस्ट सर्वर्स नेटवर्क स्विचेस एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट्स कैन बी इक्विप्ड विद 2 पावर सप्लाईज फॉर रिडंडेंसी, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम 2 पावर सप्लाई किस लिए यूज़ कर रहे थे, रिडंडेंसी के लिए कर रहे होते हैं। फॉर अवेलेबिलिटी के लिए रीजंस एट लीस्ट 2 पावर स्ट्रिप्स आर नीडेड टू पावर इक्विपमेंट इन रैक्स, ईच फीडिंग वन ऑफ द 2 पावर सप्लाईज इन द इक्विपमेंट। सो ये दोनों जो हैं आपके PDUs ये डाटा सेंटर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। तो नीचे इसकी डायग्राम भी बनी हुई है। कनेक्टिंग बोथ पावर स्ट्रिप्स टू द सेम UPS विल मेक द UPS अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। सो आपका जो कनेक्ट करता है बहुत पावर स्ट्रिप को एक सेम UPS के साथ, तो फिर वो क्या होता है, सिंगल पॉइंट होता है ना। अगर एक UPS फेल हो गया तो दोनों ही रैक आपके जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, दोनों ही स्ट्रिप्स आपकी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, दोनों ही फेलियर हो जाएंगी। टू अवॉइड दिस 2 कम्प्लीटली सेपरेटेड UPS सिस्टम कैन बी यूज। तो जैसे कि हम डबल रिंग का कॉन्सेप्ट लेते थे ना, तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है कि हम यहाँ पे सेपरेटली UPS सिस्टम यूज़ करने हैं। बैठाओ, बट दिस कैन बी कॉस्टली। साफ सी बात है, अगर आपने कनेक्शन देखो, जैसे कि उसमें एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज सेट करना पड़ता था, तो इसमें भी ऐसे ही है, पूरी मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है इस चीज़ के लिए भी। अ मोर कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन इज़ टू कनेक्ट 1 पावर सप्लाई टू द UPS एंड अदर टू द यूटिलिटी पावर। मतलब एक पावर आपके UPS को कनेक्टेड होनी है, और एक पावर यूटिलिटी पावर जो बैक एंड से हमें मिल रही है उसको कनेक्टेड होनी है। तो ये देखिए जी, कनेक्टिंग UPS टू रैक, आपका जो UPS है उसको रैक के साथ कैसे कनेक्ट किया जाता है। ये आपका UPS है, ठीक है, ये आपकी यूटिलिटी पावर है। UPS पावर पावर स्ट्रिप 1, ये देखें, एक UPS के साथ अटैच है, एक पावर यूटिलिटी के साथ अटैच है। तो ये इस तरह आपका रैक होता है, डाटा सेंटर का फुल रैक है, ठीक है। रैक्स की फॉर्म में ही आपने जो सिस्टम सर्वर्स रखने होते हैं, स्विचेस हो गया एक रैक के अंदर, एक रैक के अंदर राउटर्स हो गए, इस तरह मैनेज किया था। ये तो ऑलरेडी आपको बता दिया रैक क्या है। सो कनेक्टिंग दिस वे टू सेपरेटली डिस्ट्रीब्यूशन पाथ आर क्रिएटेड इफ द यूटिलिटी पावर फेल्स। लेट्स सपोज करो, अगर आपकी यूटिलिटी पावर फेल्स हो जाती है, मतलब आपकी जो ओरिजिनल लाइट है वो ऑफ हो जाती है, फेल हो जाती है किसी भी वजह से, या किसी भी इक्विपमेंट की वजह से, या फिर वो अगर UPS के साथ ही अटैच है वो फेल हो जाती है, तो इक्विपमेंट इज स्टिल पावर्ड बाय द UPS। तो वो दूसरे पावर जो है आपका पावर ऑन होता है ना UPS, उसकी वजह से वो काम कर रहा होता है। इफ़ द यूटिलिटी पावर इज़ अवेलेबल बट द UPS फेल, अ सिचुएशन आई हैव सीन अकर मोर देन वंस, द इक्विपमेंट कीप्स रनिंग ओनली यूटिलिटी पावर। तो वहाँ पे अब UPS फेल हो गया तो वो किसके ऊपर रन कर रहा है, वो यूटिलिटी पावर के ऊपर रन कर रहा होगा। दिस प्रैक्टिस आल्सो अलाउ मेंटेनेंस ऑफ द UPS ड्यूरिंग विच द डाटा सेंटर रन ऑन द यूटिलिटी पावर ओनली बट फॉर अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम ऑफ कोर्स। तो अब आप ये नहीं समझ सकते कि
अगर यूपीएस डाउन हो गया तो यूटिलिटी पावर के ऊपर चलता ही जाएगा, नहीं उसकी भी तो पावर डाउन हो सकती है। तो उतने टाइम में ये हो जाता है कि हम दूसरे वाले को मेंटेन कर लेते हैं, जैसे रिंग टोपोलॉजी में हम कॉन्सेप्ट पढ़ते थे, अगर एंटी क्लॉक वाइज वाली वायर्स ख़राब हो गई हैं तो वो क्लॉक वाली वाइज की तरफ उन मतलब डाटा जो है वो शफल कर देता है, अपने टोकन शफल कर देता है। तो इसी तरह यही भी सिस्टम वही है कि फिर हम उसकी मेंटेनेंस कर लेते हैं उतने टाइम में। ओके, देन आते हैं जी कूलिंग की तरफ। डाटा सेंटर हो और कूलिंग का इफेक्ट ना हो, ये तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि आपका जो कंप्यूटर है, आपके जो सर्वर्स हैं, वो कूलिंग इफेक्ट मांगते हैं। तो सम ये क्रैशिंग हो सकती है अगर आप ये नहीं अप्लाई करते। मोर देन 90% ऑफ ऑल पावर यूज बाई इन आई टी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट इज़ कन्वर्टेड इन टू हीट। तो इसकी अगर ये प्रॉपर यूज़ ना किए जाए तो आपके जो कंपोनेंट्स होती हैं वो हीट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्रैशेज हो जाते हैं। दिस मीन्स दैट इन अ वन अब यहाँ पे ये जो कंसेप्ट है एम वाट, मिली वाट है या मेगा वाट है, अब क्योंकि अगर हम डेटा सेंटर्स की बात करें तो वो मेगा वाट में ही होगा, साफ सी बात है। मिली वाट तो बहुत छोटा सा होता है। मेगावाट डेटा सेंटर 900 किलोवाट ऑफ हीट इज़ प्रोड्यूस, तो यहाँ पे वो 900 किलोवाट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है, ऑल ऑफ विच हैज़ टू बी डिसिपेटेड बाय द कूलिंग सिस्टम। सो इस वजह से वो डाउन भी हो सकता है, ठीक है, हीट अप हो सकता है ज़्यादा। इन जनरल देयर आर टू टाइप्स ऑफ कूलिंग सिस्टम, तो यहाँ पे टू टाइप्स के कूलिंग सिस्टम हैं, एक आपका क्रैक और एक आपका है क्रैक। तो इनकी एब्रिवेशन भी लिखी हुई है, कंप्यूटर रूम एयर कंडीशनर्स, और एक मतलब आपका ये क्या है, आर रेफ्रिजरेंट, मतलब कि ये रेफ्रिजरेटर जैसे काम करते हैं, बेस यूनिट होते हैं कनेक्टेड टू आउटसाइड कंडेंसिंग यूनिट, ठीक है, लाइक आउटसाइड फॉर्म में काम कर रहे होते हैं। अब अंदर तो नहीं ना इन्होंने बर्फ़ जमानी, तो हम इसको अंदर नहीं, आउटसाइड आउटसाइड लूट की फॉर्म में काम कर रहे होते हैं, ताकि ये प्रॉपर डैमेजिंग भी ना कर सके और प्रॉपर जो फ्रीजिंग भी ना हो जाए, हीटिंग को भी जो है इग्नोर करते हैं और बैलेंस रखेंगे। अ कंप्यूटर रूम एयर हैंडलर, आपका जो क्रै है इज़ अ चिल्ड वाटर बेस्ड, ये आप किस बेस होता है वो फ्रीजिंग कॉन्सेप्ट देता है, ये वाटर बेस्ड है एंड कनेक्टेड टू आउटसाइड चिलर्स, मतलब बात वही है कि आउटसाइड चिलर्स के साथ ही कनेक्टेड होना है, वो भी आउटसाइड था, ये भी आउटसाइड है। अ चिलर प्रोड्यूसेस चिल्ड वाटर वाया आर रेफ्रिजरेशन प्रोसेस। अब आपका जो जैसे कि हम कूल वाटर करते रहते हैं ना, तो ये भी ऐसे ही है, ठंडा पानी जो है वो क्रिएट होता रहता है और उससे आपका कूलिंग का इफेक्ट जो है वो डाटा सेंटर के अंदर होता जाएगा। सो ये कौन सा हम इंटरनल इसकी फिजिक्स पढ़ रहे हैं, बस आपने इसका जो मेनली कंसेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए कि ये हमें आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और कितने टाइप के जो सिस्टम्स होते हैं। सो अब दोनों में एयर फैन ज़रूर होगा, ठीक है, अगर वो कूलिंग इफेक्ट जो है वो आउटसाइड की तरफ है तो अंदर उसका फ़ैन लगा होगा जो एक्चुअली कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता होगा। दे डिलीवर कूल एयर टू द रैक, देखा आपको ये क्या प्रोवाइड करेगा, कूल एयर प्रोवाइड करेगा और एग्जॉस्ट करता रहेगा फ़ैन, ठीक है जी, रिमूव करता रहेगा हॉट एयर किसको बाहर निकाल, जैसे हमारे एग्जॉस्ट फ़ैन लगे होते हैं। फ्रॉम द डेटा सेंटर टू द क्रैक एंड क्रैक, मोस्ट क्रैक एंड क्रै सिस्टम इंक्लूड ह्यूमिडिफायर दैट इंश्योर ह्यूमिडिटी लेवल्स आर द विद इन अ स्पेसिफिक रेंज। तो इसने जो भी सारा आपकी हीट कूलिंग हर चीज़ को क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है। अभी इसका मतलब ये भी नहीं है कि उसने पूरा ड्राई कर देना है, मतलब एक नमी बरकरार रखनी है, नमी भी बरकरार रखनी है और हीट को भी निकालना है, बैलेंस रखेगा हर चीज़ को। दी एफिशिएंसी ऑफ अ कूलिंग सिस्टम इज स्पेसिफाइड इन वन ऑफ थ्री मैट्रिक्स, तो यहाँ पे आपका जो एफिशिएंसी है मतलब बढ़ सकती है उसकी रेंज, इफेक्टिव हो सकता है वो इन वन ऑफ थ्री मैट्रिक्स में से कुछ भी हो सकता है जी। EER एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो, दिस इज़ द मेजर ऑफ एफिशेंसी एट मैक्सिमम एयर कंडीशनिंग लोड। अब आपकी ये क्या है, ये एफिशेंसी इसने मेजर करनी है, मैक्सिमम एयर कंडीशनिंग लोड को जो है वो बरकरार रखना है। EER इज़ द रेशियो बिटवीन आउटपुट कूलिंग इज BTU ब्रिटिश टर्म थर्मल यूनिट
अ यूनिट ऑफ एनर्जी इक्वल टू अबाउट 1055 जूल्स। ठीक है, अब ये यूनिट है उसका फिजिक्स का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, पर आवर में इतनी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इनपुट लेगा, इतनी मतलब वाट के फॉर्म में एनर्जी लेगा एट गिवन ऑपरेटिंग पॉइंट। कोई भी ऑपरेटिंग पॉइंट आपका कंप्यूटर हो सकता है, सर्वर हो सकता है, जो भी आपका डाटा सेंटर के अंदर पड़ा हुआ है। देन आता है आपका SEER, सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो। SEER इज एग्जैक्टली द सेम एज EER, मतलब वैसा ही है, बट सीजनल डाटा इज़ यूज फॉर द मेजरमेंट। तो यहाँ पे सीजनल डाटा क्या क्या कंसेप्ट है, मतलब कि जो भी टाइम है ईयरली आपने कूलिंग सिस्टम अप्लाई किया है उसके ऊपर, ठीक है, लाइक समर हो गया, विंटर हो गया, इस तरह। The time of year the cooling system is used mostly typically in the summer. The SEER in the output cooling is BTU during summer time divided by total electrical energy into in watts or this time that time period. तो आप क्या है, ये फार्मूला है होता है इस तरह जो लिखा होता है कि आप जो आपका समर टाइम है, टोटल समर टाइम इज़ डिवाइडेड बाय, मतलब डिवाइड किया किसके ऊपर, टोटल एनर्जी के ऊपर, और जो भी उसकी इनपुट आएगी इक्वल टू वो किसके होगा, आपके वाट आवर्स के इक्वल होगा। कोप, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस में क्या, दिस इज़ अ रेशियो बिटवीन, ये रेशियो बिटवीन किसके है, कूलिंग लोड इन किलोवाट एंड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन किलोवाट, मतलब बिटवीन हो तो वो माइनस होता है। नॉर्मल वैल्यूज आर बिटवीन 3 and 10, फॉर एग्जांपल टू कूल 150 किलोवाट विद द कूलिंग वाटर विद कोप ऑफ 3.2, इसकी ये इतनी रेशियो होगी। द कूलिंग सिस्टम यूजेस 47 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो मतलब ये कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकाला है, तो इनमें से कोई भी कूलिंग इफेक्ट जो है वो हो सकता है। अब जो ये फर्दर पॉइंट्स आगे चल रहे हैं ये सारे कूलिंग के रिलेवेंट है, ठीक है जी, कूलिंग के पॉइंट्स हैं। ऑपरेटिंग टेम्परेचर्स, अब उसमें ऑपरेटिंग टेम्परेचर क्या होना चाहिए, दी एयर टेम्परेचर इन द डाटा सेंटर यूजुअली रेंजेस फ्रॉम 18 degrees to 27 degrees Celsius, इतना होना चाहिए, ठीक है, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है। फॉर एयर टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी लेवल, मतलब वही ह्यूमिडिटी लेवल आपका नमी का नम बरकरार रखने का लेवल क्या होना चाहिए। एक्चुअली तो यहाँ पर यह बता रहा है यूजिंग हायर टेम्परेचर सेव्स कूलिंग कैपेसिटी एंड पावर, रेजिंग द टेम्परेचर इन द डाटा सेंटर विद 1 degree Celsius लोअर द कॉस्ट फॉर कूलिंग, अप्रॉक्सीमेटली 5% होनी चाहिए, बट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट हैव मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर, तो ये अकॉर्डिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड भी करता है। इफ़ द टेम्परेचर गेट्स टू हाई, अगर उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है तो वो डैमेजिंग की तरफ भी जो है वो शफल हो सकता है, ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो सकते हैं। तो फॉर इंस्टेंस सम सर्वर्स विल शट देमसेल्फ डाउन एट द एयर इनलेट टेम्परेचर ऑफ 40 degree Celsius टू प्रोटेक्ट द CPUs। तो आपका जो ये ऑपरेटिंग टेम्परेचर है इसको कायम रखना, इसको बरकरार रखना, इसको मेंटेन करना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। देन एयर फ्लो आते हैं, एयर फ्लो, देयर आर सेवरल वेज टू प्रोवाइड कूल एयर टू इक्विपमेंट, हमें पता है कि हमें जो भी विंडोज़ एयर फ्लो का कॉन्सेप्ट है, या फिर आप कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड कर रहे हो, जो रैक्स को जा रही है कूलिंग, वो किस तरह होनी चाहिए, ठीक है, इसका मतलब ये भी नहीं होता कि हमने बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव काम कर लेना है, एक डाटा सेंटर बनाना है तो हमने अपना एक्सपेंस भी देखना है, अपना एयर का फ्लो भी देखना है कि अगर देखो जा रही है तो रिवर्स होके वापस भी आ रही है, एग्जॉस्ट भी हो रही है कि नहीं हो रही। वन वे ऑफ प्रोवाइडिंग अ गुड एयर फ्लो इज़ टू हैव कोल्ड एयर ब्लोन थ्रू द रेज्ड फ्लोर यूजिंग परफोरेटेड टाइल्स क्रिएटिंग कोल्ड, ठीक है, मतलब कि उसको दोनों साइड पे करना है, एक तो वो जो कूलिंग एयर है उनकी तरफ जा रही है और दूसरी जो हीट वाली एयर है, मतलब
हॉट एयर है वो एग्जॉस्ट हो रही है. तो दोनों ही काम प्रॉपर होने चाहिए मेंटेन की. देखिए जी, वार्म एयर फ्रॉम द कंपोनेंट्स लीव्स अ रैक, ठीक है, ऑपोजिट साइड, तो वो ऑपोजिट साइड पे होनी चाहिए. तो यहाँ पे ये देखो, ये दोनों कूलिंग के इफेक्ट लगे हुए हैं, क्रैक और क्रैक. ये कूलिंग एयर के फॉर्म में जा रही है और जो ये वाली वार्म एयर है ये एग्जॉस्ट की तरफ जा रही है. तो हर रैक्स को जो है वो एयर का फ्लो प्रॉपर जा रहा है, तो इस तरीके से आपने उसको मेंटेन करना है. एन आल्टरनेटिव इज़ टू ब्लो एयर हॉरिजॉन्टली थ्रू कैन इंडिविजुअल रैक यूजिंग वन कूलिंग यूनिट पर रैक. तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप इस तरह सेट कर लेते हो ना, तो इस तरह काम भी प्रिसाइज हो जाता है. प्रिसाइज हो जाता है ना, मतलब कंसाइज होके काम है. तो इससे आप, ठीक है, प्रिसाइज तो हो रहा है, रैक्स बने हुए हैं, लेकिन इससे काम एक्सपेंसिव ज़रूर होगा, लेकिन आपकी जो फर्दर फ्यूचर डैमेजिंग है उससे क्या हो जाएगा, बच जाओगे. और ये वाला जो काम होता है ना, इस तरह रैक्स की फॉर्म में जा रहा है ये, कल आप इसमें स्केलेबिलिटी भी प्रोवाइड कर सकते हो. स्केलेबिलिटी मतलब कि अगर आप चाहे तो इसमें इन्हांसमेंट कर सकते हो, जितना चाहे मर्जी इसको बड़ा किया जा सकता है डाटा सेंटर को. और एक बात तो हमने सारे मेंटेनेंस कर ही दी हुई है, तो बार बार करने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी, तो इसी से भी हमारी बचत हो जाती है. तो इसलिए ये आपको हाई डेंसिटी हाई कैपेसिटी रैक्स जो हैं वो इसका कॉन्सेप्ट ऑलरेडी अप्लाई कर लेना चाहिए. तो ये तो हुआ एक प्रोफेशनलिज्म के लिए. अगर आप एक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हो या मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हो, तो उसका एक डाटा सेंटर होता है हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जहाँ पे ये सर्वर्स होते हैं, राउटर्स होते हैं, स्विचेस होते हैं, पूरा कॉलेज का हो गया, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर आपने लाजमी मेंटेन करना होता है. तो वो आपको ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पता होनी चाहिए, ठीक है. देखिए, एक आर्किटेक्चर को ये चीज़ें पता होंगी तभी तो वो दूसरे को गाइड करेगा कि कैसे आपने एक रूम को डेकोरेट करना, कैसे बनाना है. ओके जी स्टूडेंट्स, ये था आप लोगों का लेक्चर. ये डाटा सेंटर्स ही हैं आपका टॉपिक, उसी से फर्दर रेलिवेंट सब पॉइंट्स है. कूलिंग के पॉइंट्स थे वो फर्दर चलते रहेंगे आगे, ठीक है, हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे. ओके, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. गुड लक, अल्लाह हाफिज़.